हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि हमने पिछले एक हफ्ते में कोई वीडियो अपलोड नहीं की। दिवाली वीक था, इसलिए ऑफिस और घर दोनों का ही काम ज़्यादा था, तो इसलिए यूट्यूब को समय नहीं दे पा रहे थे। अब दिवाली ख़त्म हो चुकी है तो अब हम फिर से फ्री हैं फिर से कॉमिक्स रिलेटेड वीडियोज़ लाने के लिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स रिलेटेड ढेर सारी बातें। तो दोस्तों, आज हम कॉमिक स्टोरी एक्सप्लेन में थ्रिल हॉरर सस्पेंस सीरीज की कॉमिक्स खून की बारिश की बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नई वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। दोस्तों, अगर आपने ये कॉमिक्स नहीं पढ़ी है तो प्लीज़ इसे पढ़ लें, क्योंकि इस वीडियो में हम इसकी स्टोरी एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम किसी भी प्रकार की पायरेसी का समर्थन नहीं करते हैं, यह वीडियो हम अपने व्यूअर के एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं। तो दोस्तों, आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, राज कॉमिक्स में इशू नंबर 180 खून की बारिश के लेखक थे तरुण कुमार वाही जी, संपादन किया था मनीष चंद्र गुप्त ने, प्रताप मलिक के कलर निर्देशन में चित्रांकन था चंदू का और सुलेख किया था विकास पालवणकर ने। कहानी की शुरुआत होती है जुर्म की दुनिया के चार खिलाड़ी भोला शंकर, रहमान और रोमी से। रोमी अपने साथियों को खून की बारिश के बारे में बता रहा होता है। सभी उसकी बातों पर हंसते हैं लेकिन वह अपनी कहानी जारी रखता है। दरअसल जब वह सोने के बिस्किट की तस्करी करते हुए दुबई से इंडिया बाय प्लेन आ रहा था तो प्लेन में खराबी कारण वह क्रैश हो गई, लेकिन रोमी सहित 5 पैसेंजर और बच गए और एक टापू मकाली द्वीप पर पहुंच गए। टापू पर उन्हें मौत से सामना करना पड़ा। लाल सुर्ख बादलों से होने वाली मौत की बारिश में चार व्यक्ति मारे गए और वे सभी इस बारिश में मोम की तरह पिघल गए। किस्मत से रोमी बच गया। इसके बाद रोमी वहाँ के नरभक्षी कबीले से बचकर वापस इंडिया पहुँचा, लेकिन उसकी बातों पर किसी ने भरोसा नहीं किया। इसके बाद रोमी और उसके साथी इस बारिश का रहस्य जानने के लिए वहाँ निकल पड़े। रोमी ने खूनी बारिश को अपराध में प्रयोग करने के लिए सोची थी। मकालू द्वीप पहुँचते ही फिर से उनका सामना वहाँ के नरभक्षी कबीलों के निवासियों से हुआ। इस बार रोमी और उसके साथी हथियारों से लैस थे, इसलिए उन्होंने सभी को मार डाला और एक घायल जंगली अपने सरदार के पास पहुँचा। सरदार फिर सभी जंगल वासियों को अपनी झोपड़ियों में जाने को कहता है और अपनी देवता की मूर्ति के सामने कुछ मंत्र कहकर पास रखे विशाल बर्तन में कुछ मिश्रण सा डालता है, जिससे उस बर्तन में रखे तरल पदार्थ में से धुआं निकलने लगता है जो कि लाल रंग का होता है, और धीरे धीरे यह धुआं विशाल काय बादल में का रूप ले लेता है। रोमी और उसके साथ ही छिप कर यह सब देख रहे होते हैं। वह समझ जाते हैं कि हर बाहरी व्यक्ति के लिए यह कबीलेवासी उस खूनी बादलों को मौत की बारिश उससे करवाते हैं और अब उनकी बारी है। रोमी सरदार को बंधक बनाने की कोशिश करता है, लेकिन सरदार सहित सभी को मारने के बाद वह भी मारा जाता है। इधर उसके सभी साथी भी एक एक करके मारे जाते हैं। इसके साथ ही कबीले वासियों के ख़त्म होते ही खून की बारिश भी आखिरी साबित होती है। दोस्तों, जहाँ तक देखा जाए ये कहानी बड़ी ही संक्षिप्त सी लगी मुझे। इसे और भी विस्तृत किया जा सकता था इसके रहस्य को डिटेल में बताकर। फिर भी कहानी में एक थ्रिल था, ना कि हॉरर। बिना किसी स्केरी फेसेस के साथ ये एक अच्छी स्टोरी थी। चित्रांकन तो लाजवाब ही था। अगर आपने भी ये कॉमिक्स पढ़ी हो तो अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो जैसे भी पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। साथ ही ऐसी ही कॉमिक्स रिलेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई फैक्ट या सुझाव अगर आपके पास हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएँ। साथ ही ये भी बताएँ कि आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। इस वीडियोज़ में कोई फैक्ट अगर हमसे मिस हो गया हो तो वो भी आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं। हमसे और भी अपडेट लेने के लिए आप हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर
हैंडल में भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।